हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज मार्केट बहुत ज्यादा वोलाटाइल था। इनफैक्ट मार्केट अभी गिरने की कगार पर खड़ा हुआ है और यहां पर हम लोगों को एक बड़ा करेक्शन भी देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि जो फॉल है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कल का एनालिसिस वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो मैं एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, उसको जाकर के देखना। इन डिटेल्स में एनालिसिस मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम लोग LTP कैलकुलेटर से स्टॉक फिल्टर करके और उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके जो इंडिकेटर आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और आपको पता है मैं ऐसे ही बहुत सारे इंडिकेटर्स आपको सिखाता रहता हूँ, जिससे कि आपका ट्रेडिंग जो है वो आसान हो जाए। आप सपोर्ट पे बाय और रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुकिंग करें, या फिर रेजिस्टेंस पे सेल सपोर्ट पे प्रॉफिट बुकिंग कर पाए। बहुत सारे दोस्तों को मेरी दिक्कत होता है कि वो टॉप पर बाय कर लेते हैं, देन उसके बाद स्टॉक जो है वो गिरने लगता है और आपको नुकसान होने लगता है। तो इससे बचने के लिए आज हम इन डिटेल्स में देखेंगे कि कौन सा फिल्टर आज हम यूज करने वाले हैं LTP कैलकुलेटर के अंदर, और उसमें फिर कौन सा इंडिकेटर जो है वो यूज करने वाले हम लोग इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग को LTP कैलकुलेटर में आ जाना है। और ये इन डिटेल्स में अगर आप सीखना चाहते हो कि ये पूरा मेथड क्या होता है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर किस तरीके से बना जाता है, तो आप ऊपर कम्युनिटी बैच का नंबर चल रहा होगा ऊपर, आप उस पर व्हाट्सअप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और कम्युनिटी बैच के बारे में आप जान सकते हैं वहां पर। तो आपको मैं पूरा ये सिखाता हूँ वहां पर, ठीक है। तो हम लोगों को क्या है, होम बटन पर क्लिक करना है अभी, ठीक है। होम बटन पर क्लिक करने के बाद एक यहाँ पर फिल्टर मिलता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला, ठीक है। तो हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला फिल्टर को जो है वो यहाँ पर क्लिक करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले। तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर जो भी स्टॉक अभी ट्रेड कर रहे हैं उनका डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा कि कौन से स्टॉक जो है वो सपोर्ट पर ट्रेड कर रहे हैं और कौन से रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर रहे हैं। रेजिस्टेंस पर जो स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं उनको सेल करके चलेंगे, और जो सपोर्ट पर ट्रेड कर रहे हैं उनको हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के अंदर बाय करेंगे। याद रखना, रेजिस्टेंस पे जो स्टॉक है उनके अंदर आप सेलिंग कर रहे हो इक्विटी कैश में, तो आपको इंट्राडे करना पड़ेगा। और अगर आप इन्हीं स्टॉक्स के अंदर फ्यूचर में सेल करते हो तो आप स्विंग ट्रेड के लिए होल्ड कर सकते हो, ठीक है। और बाइंग के लिए अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है तो आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो, इंट्राडे करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप हम लोगों को चाहिए कि हम लोग बॉटम पे खरीदे और बहुत बड़ा प्रॉफिट तक इंतजार करें, ठीक है, और बड़े प्रॉफिट के लिए टारगेट करें। तो यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है आयशर मोटर जो है वो सपोर्ट पे आया हुआ है, बजाज फिंसर जो है वो सपोर्ट पे आया हुआ है। तो ये बहुत अच्छे स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक जो है वो दिखाई देते हैं, अंबुजा सीमेंट, एशियन पेंट, ACC, अदानी पोर्ट्स इनफैक्ट बाय भी किया है हम लोगों ने, ठीक है। 1300 का सपोर्ट था, वो 1300 के बहुत नीचे जाकर के आया है, तो हम लोगों ने बाय भी किया। तो कुछ स्टॉक्स इनमें से हम लोग चूज कर सकते हैं, जैसे कि अदानी पोर्ट्स हो गया या फिर बजाज फिंसर हो गया, ठीक है। तो इंडिकेटर कौन सा यूज करेंगे और कहाँ पर उसके लिए हम लोगों को बाय करना है। अगर आपको डेटा रीड करने में ये जो डेटा होता है ये रीड करने में प्रॉब्लम आता है तो बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जस्ट ईमेल आईडी डाल करके आप इसका अकाउंट ओपन कर सकते हो। इंडिकेटर सेक्शंस में जाना है, उसके बाद आप लोगों को यहां पर टाइप करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये देखिए यहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहां पर लिखा हुआ आ गया, ठीक है। एंड जो है ना वो AND वाला नहीं डालना है, तभी ये आएगा, ये वाला एंड डालना है, शिफ्ट और 7 दबाना आपके की के ऊपर, तो ये एंड आ जाएगा। रेजिस्टेंस के बाद आपको AI टाइप करना है, थिंक लॉजिक AI का ये इंडिकेटर है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, प्ले कर देंगे यहाँ पर, और स्टार के बटन पर आपको क्लिक करना है ना, ताकि आपको दोबारा ये डालने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है इसको लगा दिया है। अभी यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, 1 डे के टाइम फ्रेम पर कुछ लाइन्स जो है वो ड्रॉ होती हुई आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। अब अभी हम लोग क्या कर देते हैं कि जो स्टॉक था बजाज फिंसर उसका हम लोग चार्ट लगा लेते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोगों को बजाज फिंसर लिस्ट में जरूर मिलेगा, ठीक है। और इसका टाइम फ्रेम आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर 1 डे का लिया है, आप 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट आप ले सकते हो। अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है तो आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए, और अगर आपको होल्डिंग के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है तो आपको 1 डे या फिर 1 वीक का टाइम इसमें यूज करना चाहिए। अभी 1 डे के टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखें, हम लोगों को 3 सपोर्ट के यहाँ पर जो है वो बार दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों को रेड वाला दिखाई दे रहा है, ग्रीन है, और ब्लू कहीं ना कहीं हम लोगों को
दिखाई दे रहा है। अब इसके बीच में हम लोगों को ये व्हाइट लाइन भी दिखाई दे रहे हैं जो कि एक अपर और लोअर बैंड की तरह काम कर रहे हैं। तो ये बेस्ड है स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्योरी के ऊपर, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्योरी के ऊपर ये बेस्ड है। और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, क्लस्टर डेंसिटी करके इसका बॉक्स का नाम है। इसमें जो भी नंबर, ठीक है, इसमें जो भी नंबर बड़ा दिखाई देगा, अब यहाँ पर 26, 27 और 45 है, तो 45 मतलब ग्रीन कलर में आ रहा है, तो ये वाला ग्रीन कलर का सपोर्ट जो है वहां पर बायर ज्यादा एक्टिव है, इसका ये मतलब हुआ। अगर डेंसिटी जो है वो ब्लू कलर में ज्यादा नंबर पे परसेंटेज ऑफ नंबर दिखाई देता, लाइक 45 है तो ब्लू कलर में अगर हम लोग को 57, 58, 60 इस तरीके से दिखाई देता, तो यहाँ पर जो है वो बाइंग एक्टिविटी हर बार दिखाई देती हम लोगों को, ऐसा हम लोग मानते। पर लेकिन अभी हम लोगों को ग्रीन कलर में डेंसिटी ज्यादा दिखाई दे रही, तो हम लोग क्या करेंगे, ये ग्रीन एरिया पर जब भी आएगा इस सपोर्ट लाइन पर, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये अपने स्टैंडर्ड डेविएशन के लोअर पॉइंट पर आ चुका है। तो ये जो रेड ग्रीन और ब्लू लाइन है बीच की, ये दोनों काम करती है, सपोर्ट का भी और रेजिस्टेंस का भी, है ना। तो अगर यहां से ऊपर से गिर रहा होगा तो ये सपोर्ट ले सकता है। अब उसके कितने परसेंट चांसेस है, तो यहां पर ऊपर दिखाई दे रहा है आपको 27% चांसेस है कि यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। सबसे ज्यादा चांसेस कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो ग्रीन एरिया में हम लोगों को दिखाई दे रहा है, यानी कि इस लाइन पर, ग्रीन लाइन पर हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट जो है वो देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि इसी ग्रीन एरिया में इसको ब्रेक नहीं किया है, इसी ग्रीन एरिया में बार बार सपोर्ट लेकर के ये ऊपर गया है, तो हाइयर साइड प्रोबेबिलिटी ये होती है कि इस ग्रीन एरिया में, या यहाँ पर भी एक बार गया है, यहाँ पर भी एक बार ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, और अगर हम लोगों को ये फिर से ग्रीन एरिया के पास मिलता है तो हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वन डे के टाइम फ्रेम पर इन्वेस्टमेंट के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम, जो कि प्योरली स्विंग ट्रेडिंग का टाइम फ्रेम जो है वो यहाँ पर हम लोगों को दिखाई देता है। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम लोग अगेन जाएंगे डेंसिटी के पास, क्लस्टर डेंसिटी का चार्ट देखेंगे, और सबसे ज्यादा डेंसिटी किस कलर में दिखाई दे रही है, तो 39.7% हम लोगों को ब्लू कलर में सबसे ज्यादा डेंसिटी जो है वो दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या, यहाँ ब्लू कलर के पास आने के बाद हम लोग इसको स्विंग ट्रेड के लिए देख सकते हैं। और स्विंग ट्रेड का टारगेट स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है, आप देख रहे हो पिछले टाइम पे ये वाला स्विंग जो था वो लो लगा था, यहाँ पर ये स्विंग लो लगा था। अगर आप लोगों को कल परसों में अगर ये चीज यहाँ पर दिखाई देती है तो आप लोग यहाँ पर बाय करके, ठीक है, बाय करके इसका स्टॉप लॉस जो है इस स्टैंडर्ड डेविएशन के लोअर पॉइंट पर रख सकते हो, यानी कि आपका बाइंग जो है वो करीब करीब 1580 85 के पास होना चाहिए, 1585 के पास आपका बाइंग प्राइस होना चाहिए, और आपका एसएल जो रहेगा वो 1570 के पास होना चाहिए, 1570 के पास आपका स्टॉप लॉस जो है वो होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। ये तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, इसी तरीके से आप दूसरे स्टॉक्स में भी ये चीज ढूंढ सकते हो। अब स्टॉप लॉस तो हम लोगों ने डाल दिया, एंट्री पॉइंट है हम लोगों के पास, स्टॉप लॉस का पॉइंट है हम लोगों के पास, अब टारगेट क्या रहेगा, तो टारगेट हमारा ये अपर बैंड रहेगा या फिर ये रेजिस्टेंस का एरिया रहेगा, क्योंकि ये जो लाइंस है ना इसमें से कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ पर हम लोगों को ग्रीन कलर में भी सपोर्ट और उसके बाद ब्रेक होने के बाद रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम करती है, तीनों लाइन दोनों का काम करती है। इसको अगर ब्रेक कर दिया तो वो सपोर्ट ब्रेक हो गया, नेक्स्ट सपोर्ट के लिए आप जा सकते हो, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वहां सपोर्ट लेने के चांसेस ज्यादा होंगे। इससे ज्यादा क्लैरिटी आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। और स्टॉक सिलेक्शन हम लोगों ने कहा किया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के फिल्टर पर एलटीपी कैलकुलेटर से, तो आप सेलिंग के लिए बाइंग के लिए यहाँ पर देख सकते हो। और इतने स्टॉक्स में जब आप वॉच करते हो दिन के अंदर, तो आपको कोई ना कोई ट्रेड 101% मिलने ही वाला है। अगर मैं अदानी पोर्ट्स की बात करूं, ठीक है, उसी कॉन्टेस्ट में अगर मैं अदानी पोर्ट्स की बात करूं यहाँ पर, तो अदानी पोर्ट्स में 1 आवर के कैंडल पर आपको क्या दिखाई देता, ठीक है, यहाँ पर देखो 52% का डेंसिटी कहाँ पर था, इस रेड कलर के सपोर्ट एरिया में। अब इसको जब ब्रेक किया इसने, ठीक है, इसको जब ब्रेक किया तो कितना मैसिवली फॉल आया, ठीक है। तो हम लोगों को लिए नेक्स्ट सपोर्ट क्या रहेगा, फिर 23 वाला ग्रीन एरिया जहां पर पिछली बार भी सपोर्ट लिया था उसी एरिया में ये आया है, और यही बिल्कुल हम लोगों का जो है वो बाइंग हो जाना चाहिए, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको ये जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस से आपको ये इंडिकेटर जो है हेल्प करने वाला है आपको कहाँ पर बाय और सेल करना चाहिए। कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि इसी एरिया के पास से ही ये ऊपर की तरफ गया था और लगभग लगभग 1200 से लेकर 1420 तक का हाई इसने लगाया था। इट मीन्स 200 पॉइंट की रैली स्विंग ट्रेड के अंदर, जो कि आपको एक 5 से 10 दिन के अंदर अंदर ये मिल जाने वाली। तो इस तरीके से अगर मार्केट गिरता है तो आपको अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। और हाँ, ये जो मार्केट अभी सिचुएशन चल रहा है, इलेक्शन भी आ रहा है, सब कुछ पास में ही है, तो इस टाइम पर आपको क्या है, थोड़ा सा ट्रेडिंग अवॉइड करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग से तो दूर ही रहना है। ठीक है, अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो तो इसमें फंस सकते हो। आज निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने दोनों तरफ फंसाया होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है, स्विंग ट्रेडिंग की जो अपॉर्चुनिटी है, वो हमेशा आती है। अगर आप बुरे टाइम पे मार्केट जब गिर रहा होगा, तब अगर आपने कुछ बाय करके नहीं रखा है, तो जब मार्केट ऊपर जाता है तो बस आपके पास एक ही काम होता है, उसको देखते रहो, आप पैसा नहीं बना रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर बॉटम पर बाय करना, और जब भी मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाते हुए मार्केट में प्रॉफिट को एंजॉय करना, क्योंकि ऊपर जब मार्केट जाएगा तो हम लोगों को कोई काम नहीं, क्योंकि हम लोगों ने नीचे काम करके रखा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने बाय करके रखा है, अब ये जब नीचे भी गिरेगा तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है ना। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग बाय करने वाले हैं, और इसका जो है पॉजिटिव न्यूज आया है, ये अदर कंट्रीज में भी पोर्ट्स बनाने वाले हैं। तो कोई ना कोई, कहीं ना कहीं निगेटिव न्यूज भी है और अदानी पोर्ट के लिए स्पेसिफिक पॉजिटिव न्यूज भी है। तो दो स्टॉक्स मैंने आपको बता दिए। हाँ, यहाँ पर बाय सेल रिकमेंडेशन कोई नहीं है। ठीक है, आपको आपकी मर्जी है, जो भी लॉस प्रॉफिट होगा वो आपकी जिम्मेदारी होगी। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ आपका कि मैं आपको स्टॉक बताऊँ, ये सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए था, जो कि मैं आपको इंडिकेटर्स और वो सब कुछ सिखा रहा हूँ। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंडिकेटर है, वो दोनों सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों काम करेगा। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए, अब देखो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते थे, बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे, है ना, यहाँ नीचे से कहीं बाय। और मैं अपने कम्युनिटी बैचेस के अंदर बहुत सारे इंडिकेटर्स जो है वो सिखाता हूँ, और उससे बेहतरीन ट्रेडिंग जो है वो की जा सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हो इतने सारे इंडिकेटर्स। ठीक है, इसको देख करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसको सीखना भी पड़ेगा, है ना, सेटिंग्स क्या है, एंट्री एग्जिट क्या है, वो सब कुछ। अब इसमें बहुत सारे लोग पूछेंगे कि सेटिंग्स क्या है, तो इसमें कोई सेटिंग नहीं, इसमें टाइम फ्रेम का ही सब कुछ खेल है। 1 डे 1 आवर 15 मिनट, 15 मिनट के आपका इंट्राडे ट्रेड में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, इंट्राडे ट्रेडिंग में वो सब कुछ आने लगेगा आपको। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गिरावट हम लोगों को आज के टाइम पर देखने के लिए मिली। तो दो स्टॉक्स मैंने आपको बताया है, बजाज फिंसर और आपका अदानी पोर्ट। ठीक है, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं था, लेकिन आप इसके अंदर ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। ऐसे ही मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो मेक श्योर करना आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन को प्रेस किया होगा, तो आपको वो इंडिकेटर भी मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको पेड इंडिकेटर सीखने हैं मुझसे, तो आप ऊपर कम्युनिटी बेसिस में देख सकते हो एडमिशन लेने के लिए, नेक्स्ट बैच कब है पता कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस जरूर कर देना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। चलिए, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।